सो नेक्स्ट पॉइंट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तभी ये हम लोग को ये थोड़ा सा मतलब इसमें अपने को लॉजिक लगाना पड़ता है। तो जस्ट आपको इसके सारे कंडीशंस पता रहने चाहिए और उसके बाद ही फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉज है लॉजिक्स में, वो हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला लॉ है दैट इज आइडमपोटेंट लॉ। व्हिच लॉ? आइडमपोटेंट लॉ। तो चलिए उसको देखते क्या है कैसा है। सो फर्स्ट वन इज आइडमपोटेंट लॉ। सी, अब इसमें क्या होता है कि सेल्फ के ऊपर ऑपरेशन रहता है। जैसे अभी देखिए इसमें इसके जितने भी लॉज है टोटल अगर हम लोग देखें काउंट करें तो 10 लॉज है, बहुत सिंपल है, जो भी है सब एंड और ऑपरेशन के ऊपर से है। ओके, तो ये ध्यान में रखो। सो आइडमपोटेंट लॉ में हम लोग क्या करेंगे, सबके दो दो टर्म्स रहेंगे, पी एंड पी उसका वैल्यू क्या आएगा, पी या सेकेंड पी और पी उसका भी क्या आएगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज आइडमपोटेंट लॉ, मतलब खुद के ऊपर ऑपरेशन, मतलब एंड ऑपरेशन लिया तो वही आंसर रहेगा और ऑपरेशन लिया तो भी वही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ। यस, सो सेकेंड वन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सी कम्यूटेटिव लॉ कहाँ से आएगा इस, तो ये एक डिवाइस के ऊपर से है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटर का काम क्या रहता है कि अगर हम लोग ने पोजीशन चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो भी आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अभी एग्जांपल के ले लेते हैं, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, वैसे 3 इंटू 2 क्या होगा 6। मतलब हम लोग 2 को पहले लिखे या बाद में लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो, इस तरीके से हमारा कम्यूटेटिव लॉ वर्क करता है। सो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट सबके दो दो टाइप है, सो पी और क्यू इज इक्वल्स टू क्यू और पी। अगेन इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू इज इक्वल्स टू और इक्विवेलेंट टू क्यू एंड पी। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ। यस, देन नेक्स्ट वन एसोसिएटिव लॉ। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, थर्ड वन इज, थर्ड इसमें का एसोसिएटिव लॉ। यस, अभी एसोसिएटिव लॉ में कैसे है, तो एंड ऑपरेशन और, मतलब यहां पे दो ये है, दो वेरिएबल है पी और क्यू, यहां पे तीन रहेंगे। देखिए किस तरीके से, फर्स्ट वन क्या लिखेंगे हम लोग, पी एंड क्यू एंड आर। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, हम अपने जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे, किसी दो को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। तो देखो इस तरीके से पी एंड क्यू एंड आर दैट ऑल्सो इक्वल्स टू पी एंड क्यू एंड आर। तो सी दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। मतलब हमको जिस तरीके से सम्स में जरूरत है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उस हिसाब से ये ले लेते हैं। हम लोग सम सॉल्व करते वक्त देखेंगे, उस वक्त ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सेकेंड इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड वन, सो अब ये एंड ऑपरेशन दिया, अभी और पी और क्यू और आर इज इक्वल्स टू पी और क्यू और आर दैट इज इक्वल्स टू पी और क्यू और आर। सी देखो, मतलब इधर देखो, जैसे सम्स की जरूरत के हिसाब से, तो दिस लॉ इज विच लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, एंड नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमारा फोर्थ वन है। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करता है, तो चलिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सी देखो किस तरीके से, पी एंड ऐसा ब्रैकेट में क्या दिया अपने को, क्यू क्यू और आर दिया, सी क्यू और आर। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क करेगा, सी जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये देखो ये इससे एक बार एंड ऑपरेशन, फिर और के बाद इसका आर के साथ एंड ऑपरेशन, सी लाइक दैट पी एंड क्यू इस और पी एंड आर। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वैसे इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सी पी और क्यू एंड आर। तो सी क्या आएगा, ये पी और क्यू एंड पी और
सो दिस लॉ इज कॉल्ड इज विच लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यस मतलब वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है टर्म्स को, ध्यान में रखिए. ओके देन नेक्स्ट वन लेते हैं हम लोग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया. नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स लॉ. सो चलिए फिफ्थ वन, व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ. अभी देखिए डी मॉर्गन्स लॉ कैसे वर्क करता है, तो इसमें हम लोग नेगेशन ऑपरेशन लेते हैं. सो सी डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट वन नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. सो क्या इसका आंसर नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. वैसे इसका सेकेंड नेगेशन ऑफ P और Q, तो क्या आ जाएगा negation of P and negation of Q. तो इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ सी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके देन अभी और इसके फाइव्स है, फाइव लॉज है. सो नेक्स्ट वन इज गाइस आइडेंटिटी लॉ. सोचिए यहाँ पे फिफ्थ हो गया, सिक्स लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ इस सी. आइडेंटिटी लॉ मीन्स व्हाट, सिंगल टर्म्स पे हम लोग क्या करेंगे इसका ट्रू और फॉल्स के साथ हम लोग क्या करते गाइस ऑपरेशन लेते हैं. सी पी एंड ट्रू क्या आएगा इसका वैल्यू ट्रू आएगा. क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो आंसर है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर ये ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा. तो ये हो गया ठीक है. वैसे नेक्स्ट क्या आएगा, ये पहला हो गया इसमें, इसमें क्या दूसरा हम लोग लिखते पी एंड एफ सी. इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स. क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि आंसर कुछ भी ले लो पी ट्रू लिया तो भी फॉल्स आएगा और पी फॉल्स लिया तो भी फॉल्स ही आएगा. ओके यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है सी. देखिए जैसे यहाँ पे पी एंड ट्रू तो सी किसके ऊपर आंसर डिपेंडेंट है, पी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा पी आएगा. ध्यान में ओके पी एंड ट्रू क्या होगा इक्वल्स टू. और वैसे यहाँ पे फॉल्स के लिए फॉल्स है ठीक है. देन नेक्स्ट वन चलिए थर्ड ले लेते हैं यहाँ पे पी और ट्रू सी. अभी देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा. क्यों, क्योंकि आंसर इस पे डिपेंडेंट है. जिस पे आंसर डिपेंडेंट रहेगा ना वो आइडेंटिटी लॉ में आंसर आता है. देखिए अभी यहाँ पे ट्री पे कुछ ट्रू ट्रू वैल्यू पे कुछ मैटर नहीं करता है. ये देखो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स. तो किस पे डिपेंडेंट है, पी पे, तो इसके लिए आंसर पी. वैसे यहाँ पे फॉल्स में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉल्स पे, तो इसके लिए फॉल्स. यहाँ पे देखिए ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन पी और एफ सी. अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा पी आएगा. क्यों, क्योंकि पी के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर ये ट्रू रहा तो इधर पे ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स रहा तो इधर फॉल्स रहेगा. ओके तो इस तरीके से हमारा कौन सा लॉ है आइडेंटिटी लॉ ठीक है. नेक्स्ट वन सेवेंथ वन कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ ओके सो कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे हो जाएगा अपना पी एंड निगेशन ऑफ पी. इसका आंसर क्या आएगा सी. अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा फॉल्स. तो इसके लिए यहाँ पे पी एंड निगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा. नेक्स्ट देन सेकेंड वन पी और निगेशन ऑफ पी सी क्या आएगा. यहाँ पे भी है ट्रू आएगा. वाई ट्रू, क्योंकि अगर ये सी ये ट्रू लिया इसका निगेशन क्या हो जाएगा फॉल्स. तो फॉल्स और ट्रू और फॉल्स ट्रू. ओके तो इस तरीके से ध्यान रखो. नेक्स्ट वन एट्थ वन हम लोग लेते. सो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया अपना. अभी नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन लॉ. सो चलिए एट वन लेते हैं हम लोग. व्हाट दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन लॉ. यस अभी एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या रहेगा सी. इसके लिए एक सिंपल सा भी ध्यान रखो, यहाँ पे पी है और नेक्स्ट क्या दिया अपने को पी एंड क्यू. एब्जॉर्प्शन लॉ में ध्यान में रखो कि जो टर्म इधर आउटसाइड रहती है वही यहाँ पे रिपीट हो गई तो उसका आंसर वही आता है. तो पी और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी पी एंड क्यू इज इक्वल टू व्हाट पी. ओके देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन अभी अपना क्या आ जाएगा. वैसे पी एंड पी और क्यू, सो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा
पी के लिए, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा इस देन। अभी नेक्स्ट एक कंडीशनल लॉ है और दूसरा क्या है बाय कंडीशनल लॉ। सो नाइन्थ वन व्हाट कंडीशनल, व्हाट कंडीशनल लॉ सी एस पी एम्प्लाइज क्यू जो हम लोग ने पहले भी देखा है। सो पी एम्प्लाइज क्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके वैसे लास्ट वन इज टेंथ वन इज व्हाट बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल लॉ। यस सो अभी बाय कंडीशनल लॉ में क्या हो जाएगा पी डबल एम्प्लाइज क्यू। सो पी दिस इज डबल एम्प्लाइज क्यू, सो क्या आएगा इसको हम लोग क्या रखेंगे पी एम्प्लाइज क्यू एंड क्यू एम्प्लाइज पी। ओके या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते सी ये इस तरीके से निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड क्या निगेशन ऑफ पी पी क्यू और पी। सो गाइस ये इतने 10 लॉज है जिसके बेसिस पे जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इसके टाइप के सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है ज्यादातर जो यूज होते हैं लॉज वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्यादा यूज होने वाले लॉ ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इनको बराबर से ध्यान में रखो, 10 के 10 ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सब लॉज बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये हो गया ये आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस तो ये 4 लॉज ऐसे है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा सम्स के लिए यूज करते हैं, मतलब ये 90% यूज होता है, बाकी से सब थोड़ा बहुत करके यूज होते हैं। तो ध्यान में रखो, चलो फिर से एक बार रिवीजन ले लेते हैं। आइडमपोटेंट लॉ में कैसा सेम के ऊपर ऑपरेशन एंड रन दो और रन दो सेम आंसर आएगा। कॉम्पिटेटिव लॉ में रिजल्ट इनपुट और इसको आउटपुट बोला जाता है, तो इनपुट को रिवर्स किया तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब पोजिशन इंटरचेंज किया तो आंसर सेम रहता है। ओके एसोसिएटिव लॉ में जिस तरीके से हमें ऐसे आपको 3 टर्म्स दिए रहेंगे जिसका हमको जरूरत है उस हिसाब से हम उसको ब्रैकेट में डालते हैं। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जिस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ पे अपने को क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है। यस डी मॉर्गन्स लॉ इज सिंपली व्हाट निगेशन का टर्म्स है तो वहां पे निगेशन लेंगे। आइडेंटिटी लॉ में जरा सा ध्यान रखिए यहाँ पे एंड और ऑपरेशन रहता है, तो पी एंड ट्रू इज पी, पी एंड फॉल्स इज फॉल्स, वैसे पी और ट्रू इज ट्रू, पी और एफ इज पी। ओके कॉम्प्लीमेंट लॉ में उसका निगेशन लिया जाता है तो पी एंड निगेशन ऑफ पी एफ आएगा और दूसरा पी और निगेशन ऑफ पी क्या आएगा ट्रू आएगा। ओके गाइस और कंडीशनल और लास्ट वन इज बाय कंडीशनल। तो इस तरीके से 10 लॉज ध्यान में रखो।